दोस्तों, आपने तो ब्लैक कमांडो के बारे में तो सुना ही होगा। ये आम सैनिक के मुकाबले इतना ज्यादा तेज होते हैं कि इनके सामने कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आइए जानते हैं इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। एनएसजी द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग गेम रेंजर होती है। इस ट्रेनिंग को पूरा करके आम सैनिक ब्लैक कमांडो बन सकता है। इस फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 हफ्तों तक चलने वाली यह देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30% से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 90% तक हो जाती है। एक ब्लैक कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक कमांडो को आंख बंद करके निशाना लगाने से लेकर अंधेरे में निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक एनसीएस कमांडो को 90 दिनों की अनिवार्य ट्रेनिंग के अनुसार 50 से 62 जिंदा कारतूसों को अपने फायर प्रैक्टिस में उपयोग करना होता है, जबकि किसी सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।